राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कई लोगों के सुर बदले। कई ऐसे लोग जिनसे कभी अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि वो राहुल गांधी की हल्की सी भी तारीफ करेंगे, वो राहुल गांधी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते दिखाई दिए। बाबा रामदेव, आपको याद होगा, काफ़ी वायरल हुआ था उनका वो बयान जिसमें वो कह रहे थे कल तक जिसे मीडिया पूछता नहीं था आज उसके चर्चे हो रहे हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा की सफलता है, ये उनकी सफलता है। लेकिन बहुत आश्चर्य होगा आपको अगर ये कहा जाए कि कंगना रनौत क्या कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर राहुल गांधी के लिए दिखा सकती है। थोड़ा सा चौंकाने वाला है, लेकिन उनका बयान समझने जैसा है, बहुत दिलचस्प है। बॉलीवुड की धाकड़ एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी एक्टिंग के साथ अपनी बेबाकी के लिए भी काफ़ी मशहूर है। अब पॉलिटिक्स में भी कंगना की एंट्री हो चुकी है और हर राजनीतिक मसले पर वो अपनी राय देती हुई नजर आती है। कंगना रनौत से राहुल गांधी को लेकर विचार जानने की कोशिश की गई और पीएम मोदी के साथ किस तरह का मुकाबला दिखाई देता है, इस पर कंगना रनौत ने जो जवाब दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस को लेकर उनके जो बयान थे और ये जो बयान है, इसमें एक बड़ा फर्क देखने को मिलता है। राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कंगना ने क्या कहा है ये मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के कंपैरिजन को समझिए। कंगना ने जो कहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन्होंने बहुत सही बात कही है राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के कंपैरिजन को लेकर। लेकिन अगर आप इन दो शख्सियतों को कंपेयर करते हैं तो बड़ी नाइंसाफी हमेशा से कही जाती रही है। प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक कद जमीन से उठकर, चाहे वो संगठन की राजनीति हो, चाहे वो गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल हो, या फिर प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार वो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के तौर पर सीढ़ियां चढ़ते गए राजनीति की, ये उनका कद देखने को मिलता है। राहुल गांधी लगातार संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि राजनीति में उनको एक तरीके से भेजा गया या आना पड़ा। पहले दादी की हत्या के बाद में पिता इसी तरह राजनीति में आए थे, पिता की हत्या के बाद में माँ इसी तरह राजनीति में आई थी, और जब माँ अस्वस्थ हुई हैं या पार्टी में एक बदलाव की मांग लगातार उठ रही थी, या फिर अब उम्र के लिहाज से राहुल गांधी उस स्तर पर पहुंच गए थे कि उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए, तब उनका पदार्पण राजनीति में होता है। ये वो दौर है जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री की बड़ी भूमिका में और अंतर्राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभर कर आ रहे हैं, और इसी दौर में राहुल गांधी जो हैं वो अपनी राजनीतिक ज़मीन तराशते दिखाई दे रहे हैं, खुद को बेहतर बनाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राजनीति के दांवपेच उनको सीखने थे। ये बात हम कर रहे हैं 2014 की। 2014 से अब एक चुनाव, फिर 2019 का भी बीत गया, इसमें भी लगातार राहुल गांधी को करारी हार मिली, प्रधानमंत्री मोदी का कद और बढ़ा। अब 10 साल बाद 2024 में एक तीसरा चुनाव होगा। राहुल गांधी अब यहाँ पर थोड़े से बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा की वजह से, और एक चाहे एज कह लें या इतने समय तक राजनीति में रस्सा कशी करने के बाद मिला अनुभव कह लें, राहुल गांधी पहले से ज़्यादा परिपक्व, पहले से ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ते हैं। क्या वो प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने के लायक हो गए, ये बड़ा सवाल है, तो जनता तय करेगी। लेकिन दक्षिण में जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को रिस्पांस मिला, इसके बाद ये कयास लगने लगे कि 2024 में एक बार फिर मजबूती से राहुल टक्कर दे पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को। देखना होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अब बात करते हैं कंगना रनौत के उस बयान की जो चर्चा का विषय बन गया। कंगना रनौत ने कहा कि मोदी जी के लिए दुख की बात है कि मोदी जी का मुकाबला राहुल गांधी से है, और राहुल गांधी के लिए दुख की बात है कि उनका मुकाबला मोदी जी से है। लेकिन मोदी जी जानते हैं कि उनका कोई विरोधी नहीं है, वो खुद ही खुद को पुश करते रहते हैं, राहुल अपने लेवल पर ट्राई करते हैं, सौभाग्य की बात है कि टक्कर का विरोधी मिले। कोई भी असफलता के बाद सफलता की ओर देखता है, लेकिन पीएम मोदी के सामने कोई नहीं है। पीएम मोदी बिना किसी विरोध के खुद को आगे के लिए तैयार करते हैं। कंगना रनौत प्रधानमंत्री मोदी की मुरीद हैं, वो उनके विषय में हमेशा से अच्छी टिप्पणियां लिखती रही हैं। ये पहला मौका होगा बहुत कड़े शब्दों के बजाय उन्होंने ये लिखा है कि राहुल गांधी अपने स्तर पर ट्राई कर रहे हैं, साथ ही साथ में जो वो बयान दे रही हैं कि विरोधी अपने स्तर का मिलना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस तरीके से आप इन दोनों लोगों की राजनीतिक शख्सियत को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी को अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी जैसे विरोधी के सामने खड़े होने का मौका मिल जाए तो उसकी तैयारी कैसे हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बेशक दुर्भाग्य कहा जा रहा है कंगना की तरफ से, लेकिन ये सौभाग्य भी है कि राहुल गांधी को एक ऐसे समय पर राजनीति में एंट्री करने का मौका मिला है जब उनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जैसा कद्दावर नेता है, अमित शाह जैसे रणनीतिकार है,
ये वो चेहरे हैं जो भारतीय राजनीति में अभी तक का जो इतिहास रहा है उसमें सबसे ज्यादा असरदार कहे जा रहे हैं, और इनके खिलाफ राहुल गांधी की तैयारी निश्चित तौर पर राहुल को भी बेहतर बनाती है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने पहले के जितने भी, चाहे उनके पिता की पॉलिटिक्स में एंट्री हो या माँ की पॉलिटिक्स में एंट्री हो, ये हालात ने भी कई जगहों पर इन लोगों को ताकतवर बनाया, लेकिन राहुल गांधी वो राजनेता दिखाई पड़ रहे हैं जो लड़कर या तैयारी करके या सीख कर अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कंगना रनौत का ये बयान बहुत समझने जैसा है। कंगना रनौत यहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि वो कहीं ना कहीं तंज कसती दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो ये भी स्पष्ट कर रही हैं, उनका बयान कम से कम ये स्पष्ट कर रहा है कि राहुल गांधी को एक बड़ा मौका मिला है। वो राहुल गांधी का दुर्भाग्य कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत राजनेता है, और प्रधानमंत्री मोदी का दुर्भाग्य कह रही हैं कि राहुल सामने क्यों, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है। लेकिन आप ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रस्साकशी में राहुल गांधी मजबूत होते हैं, और ये दिखाई पड़ रहा है। 2014 में बेहद कमज़ोर थे, 2019 में भी कमज़ोर रहे, और अपरिपक्वता के जितने आरोप लगते रहे, पप्पू कहकर उनका एक नरेटिव सेट किया गया, ये सारी चीज़ों का मौका क्यों मिला, क्योंकि बहुत शुरुआती दौर में ही उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का, या उस समय नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे और फिर प्रधानमंत्री बने, उनका सामना करना पड़ा, मंझे हुए राजनेता थे। लेकिन अब इस राजनीति से निपटते निपटते राहुल गांधी एक अलग स्तर पर आ गए। ये राहुल गांधी का एक अलग दौर चल रहा है, लेकिन देखना होगा कि क्या वोटों में ये चीज़ें तब्दील होती हैं, क्या भारत जोड़ो यात्रा का जो रिस्पांस मिल रहा है वो विपक्ष के केंद्र में एक बार फिर कांग्रेस को लेकर आएगा, बड़े सवाल हैं। कंगना फिल्मों के साथ साथ राजनीति में काफ़ी एक्टिव रहती हैं, अपनी बेबाकी वाले अंदाज की वजह से कई बार लोगों के निशाने पर रहती हैं। पहले जब भी कंगना से राजनीति में आने को लेकर सवाल किया जाता था तो साफ मना कर देती थी, लेकिन अब कंगना की राजनीतिक करियर को लेकर हरी झंडी मिल चुकी है। कंगना ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत का ऐलान भी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, इस बार सत्ता परिवर्तन का रिवाज बदलने के लिए उतरी है, तो कांग्रेस जो है बीजेपी इस बार सत्ता परिवर्तन का रिवाज बदलने की बात करी, क्योंकि अल्टरनेट व्यवस्था है यहाँ पर, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, कांग्रेस सत्ता में वापसी, अगर यही पैटर्न जारी रहता है तो कांग्रेस को उम्मीद है कि उनकी वापसी होगी, और बीजेपी ने अभी पिछले ही चुनाव में इस पैटर्न को तोड़ा है। उत्तर प्रदेश में तो 37 साल बाद इतिहास को बदल कर रख दिया, और बाकी के चार सिवाय पंजाब के बाकी के चार राज्यों में फिर से वापसी की, तो ये एक ऐसी बड़ी जीत रही है जिसके बाद बीजेपी को ये उम्मीद है कि वो हिमाचल में इस परंपरा को, अल्टरनेट व्यवस्था को तोड़ सकते हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को जो रिस्पॉन्स मिला है और हिमाचल में जिस तरह का माहौल है, आम आदमी पार्टी जिस तरह से जोर लगा रही है, उसके बाद बीजेपी के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हुआ है ये चुनाव। हिमाचल के मंडी ज़िले से ताल्लुक़ रखती हैं कंगना रनौत, तो निश्चित तौर पर इन चुनाव के दौरान वो भी एक्टिव दिखाई दे रही हैं। राजनीति में एंट्री को लेकर उन्होंने अपनी दिल की बात भी कही है। हिमाचल की मंडी सीट को उन्होंने अपनी पहली पसंद बताया है, साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल के लोग और भाजपा चाहे तो जनसेवा के लिए वो अगला लोकसभा चुनाव यहाँ से लड़ सकती हैं। कंगना के चुनाव लड़ने के सवाल पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हरी झंडी दिखाते हुए ये कह दिया कि अगर वो पार्टी में शामिल होना चाहती हैं तो उनका स्वागत है, उनकी जिम्मेदारी पार्टी तय करेगी, यानी टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये आगे की बात है, लेकिन पार्टी में आए उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। यही नहीं, कंगना ने पीएम मोदी की तारीफ कई बार की है, ये एक और मौका था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कंगना पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए दिखाई दे रही हैं, वो हमेशा इस तरह के बयान देती रही हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी के कार्य काम को कितना पसंद करती हैं, एक नेता के तौर पर उनको कितना पसंद करती हैं। लेकिन इस बार चुनावी रण में कदम रखते ही उन्होंने पीएम को महापुरुष कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें ये दुख है कि मोदी जी का महामुकाबला राहुल गांधी से है, लेकिन पीएम मोदी जानते हैं कि उनका विरोधी कोई नहीं है, वो खुद ही खुद को आगे बढ़ाते हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें ये दुख है कि पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों प्रतिस्पर्धी हैं, मोदी जी का महामुकाबला राहुल गांधी से है, लेकिन पीएम मोदी जानते हैं कि उनका कोई विरोधी नहीं है, वो खुद ही खुद को आगे बढ़ाते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। जब कंगना रनौत से आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल से जुड़ा सवाल पूछा गया कि गुजरात में पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और हिमाचल में भी तैयारी है, क्या संभावना है, तब कंगना रनौत का कहना था कि हिमाचली उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं, वो अपनी बिजली खुद बनाते हैं, अधिकांश घरों में सोलर प्लांट हैं, हिमाचली औरतें हैं, सब्जी उगाती हैं, आत्मनिर्भर हैं, उनको मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए। मुफ्त की घोषणाओं से आम आदमी पार्टी को कोई फायदा नहीं पहुँचने वाला है। वहीं कांग्रेस को लेकर कंगना का मानना है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार में मजबूत नेता रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का हिमाचल के लोगों के साथ मजबूत कनेक्शन भी होना चाहिए था। कंगना रनौत कांग्रेसी बैकग्राउंड वाले परिवार से नाता रखती हैं।
उनके परदादा सरजू सिंह रनौत स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। वो कांग्रेस के टिकट से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि कंगना मानती हैं कि 2014 से उनका परिवार ऑफिशियली बीजेपी कन्वर्टेड हो चुका है। उनका कहना है कि अब तो मेरे पिता सुबह उठते टाइम जय मोदी जी और शाम को जय योगी जी ही बोलते हैं, वो पूरा कन्वर्ट हो गए हैं। इसी के साथ कंगना ने इच्छा जाहिर की है कि राजनीति में और भी लोगों को आगे आना चाहिए। हिमाचल विधानसभा चुनाव में शनिवार को नामांकन वापस लेने के बाद उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। राज्य में 92 उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद अब 413 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब शिमला जिले की 8 विधानसभा सीटों पर 50 उम्मीदवार रह गए हैं। वहीं मंडी जिले में 67 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांगड़ा जिले की 15 सीटों पर सबसे ज्यादा 91 उम्मीदवार चुनावी जंग में हैं। सीटों के हिसाब से देखें तो मंडी जिले की जोगिंदरनगर विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 11 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार चुनाव में 101 उम्मीदवार निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। प्रदेश के 54,92,000 से अधिक मतदाता 12 नवंबर को 413 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। क्योंकि कंगना रनौत हिमाचल से ही आती हैं, मंडी की ही रहने वाली हैं, उनका जुड़ाव यहाँ से रहा है, तो उन्होंने इस जगह से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। लेकिन दिलचस्प बात यह है, कंगना रनौत ने यह कहा है कि राहुल गांधी अपने लेवल पर ट्राई करते हैं। उनका ये कहना भी बताता है कि राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को ये प्रयास, जैसा हमने इस रिपोर्ट में पहले भी बताया, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ करने पड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर जब अपोनेंट बहुत मजबूत होता है तो आपकी तैयारियां भी उस स्तर की होती हैं। आप देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे राहुल गांधी ने खुद को बदला है या कांग्रेस की रणनीति में कितना बड़ा बदलाव आया है। ये पहला मौका है जब गैर गांधी जो है हाल की राजनीति में, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जब से राजनीति में आए या वो बीजेपी की राजनीति के केंद्र में आए हैं, तब से पहली बार गांधी परिवार के इर्द गिर्द अभी आपको कांग्रेस की राजनीति नहीं दिखाई दे रही है। राहुल गांधी स्पष्ट कर चुके हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के किसी फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। चेहरा राहुल गांधी का है जिस पर 2014 से ही कांग्रेस ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, काफ़ी विश्वास जताया है। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि बेशक 2 चुनाव निकल गए, लेकिन तीसरे चुनाव में राहुल गांधी अब पहले से बेहतर निकल कर आएंगे। जिस तरह से राहुल संवाद कर रहे हैं लोगों से, ये अंदाज भी उनका पहले नहीं देखा गया था। जिस तरह वो लोगों से सीधे जुड़ाव कर रहे हैं, ये अंदाज भी उनका पहले नहीं देखा गया था। बहरहाल देखना होगा क्या 2024 में वो अपना बेस्ट ट्राई कर सकते हैं। जो कंगना रनौत कह रही हैं कि वो अपना अपने लेवल पर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन क्या बेस्ट ट्राई कर सकते हैं और क्या ये महामुकाबला जो होते होते जो दुर्भाग्यपूर्ण दिख रहा है प्रधानमंत्री मोदी के लिए कंगना रनौत की नज़र से, वो सौभाग्यपूर्ण हो सकता है राहुल गांधी के लिए कि वो बड़े मजबूत अपोनेंट के खिलाफ लड़ते लड़ते बड़े नेता बन जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।